अगर शादी के बारात में लोगों को घोड़ा नहीं मिला तो चल सकता है, लोग समझ लेते हैं। मगर लोगों को खाने में बैंगन की सब्जी चाहिए ही चाहिए, इसलिए तो ये बैंगन महंगे दामों में बिकता है। नमस्कार, मैं जीशान मुलानी और आपका जीशान गार्डन इस यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। तो दोस्तों, आज हम देखेंगे ब्रिंजल प्लांट्स, इसके कुछ हम टिप्स देखेंगे। तो देखिए, यहाँ पे आप देख सकते हैं ब्रिंजल के प्लांट्स, ये है ब्रिंजल के प्लांट्स। तो दोस्तों, ये पूरा बगीचा देखिए आप, मैं बगीचे में हूँ। लोगों को यहाँ के एरिया में के जो लोग हैं उन्हें ये बैंगन पसंद है, मतलब कि इसके टेस्ट उन्हें पसंद है। मगर यहाँ के लोग अगर राजस्थान में के बैंगन को खाएंगे तो उन्हें टेस्ट नहीं लगती, उन्हें अच्छा नहीं लगता। और जो राजस्थान में के लोग हैं वो अगर यहाँ के बैंगन खाएंगे तो उन्हें पसंद नहीं आता, मतलब जो एरिया है, प्लेस है, वहाँ पे जो फेवरेट उनके बैंगन है वो खाते हैं। यानी कि यहाँ पर जो है ये बैंगन यूज़ करते हैं, ये लोगों को बैंगन पसंद है। और राजस्थान में होता है कुछ अलग बैंगन होते हैं वैरायटीज के। तो यहाँ पे ये बगीचा है और ये जो बैंगन है ये टेस्ट में बहुत ही अच्छा होता है, लोगों को बैंगन की टेस्ट पता है। मगर इसमें कुछ कंटेंट्स है वो लोगों को, थोड़े लोगों को ही पता है। तो दोस्तों, इसके बैंगन में जो कुछ भी कंटेंट्स है ये मैं आपको एक सेपरेट वीडियो में बताने वाला हूँ। तो अगर आप फार्मर है, आपकी छोटी सी खेती है, तो आप बैंगन का बगीचा लगा सकते हैं। तो ये बैंगन का पूरा बगीचा, ये देखिए आप पूरा बगीचा। और दोस्तों, कुछ बैंगन आपने सुना ही होगा बैंगनी कलर, तो कुछ बैंगनी कलर के होते हैं, कुछ गोरे होते हैं, कुछ काले होते हैं, कुछ नीले होते हैं। तो यहाँ पे देखिए, ये जो प्लांट्स हैं इसकी हाइट देखिए आप, ये यहाँ पे मैं बगीचे में हूँ, यहाँ पे ये प्लांट्स की हाइट देखिए। तो दोस्तों, आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो आप लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। आप अपने बगीचे में अगर बैंगन का बगीचा करेंगे तो दोस्तों आप ज़्यादा मुनाफा कमा सकते हैं। तो एंटरटेनमेंट के साथ नॉलेज भी पाते रहे। आपको अगर इस बैंगन के फ़ायदे जानने हैं तो मैं सेपरेट वीडियो बनाऊंगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।